गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज अवर लेसन नंबर 4, अवर क्लोज फ्रॉम माई लिविंग वर्ल्ड. टूडे इट्स क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, वाई डू वी वियर क्लोज? वाई डू वी वियर क्लोज? वी ऑल नो, बिकॉज वी हैव टू कवर अवर बॉडी, सो वी वियर क्लोज. देर आर टू पॉइंट्स of this question, so you have to write number 1 and number 2. So answer will be start, we wear clothes to cover our body. Second part, clothes protect us from heat, cold, rain as well as dust and dirt. है ना, तो हमें सारा इसको एक ही लाइन में कंप्लीट करना है. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड भी आ सकता है, आप लिख सकते हैं डस्ट एंड डर्ट. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन? व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन? बिकॉज दीज क्लोथ्स आर वेरी कूल. सो आंसर विल बी We wear cotton clothes. पहले आपने क्वेश्चन में से लिखना है. After that you will use because these clothes keep us cool. Because these clothes keep us cool. Question number 3, what do we call man-made fiber? So answer will be synthetic clothes. क्योंकि आपने देखा था कॉटन से भी बनते हैं कपड़े, वुलन से भी बनते हैं, प्लास्टिक से भी बनते हैं, पर जो मैन मेड बनाता है, खुद बनाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक क्लोथ्स. क्वेश्चन नंबर 4, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट सीजन. आपने एक साइड क्लोथ्स के नेम लिखने हैं और उधर सीजन के दूसरी साइड में सीजन का नाम लिखना है. यू हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन इन क्लास 1. दिस इज द कॉटन क्लोथ्स we wear in summer season, woolen clothes in winter season, and third is plastic clothes in rainy season. Question number 5, from where do we get cotton? तो cotton हमें कहाँ से मिलती है? We get cotton from cotton plants. We get cotton from cotton plants. It is very easy. Question number 6, who washes and iron our clothes? Who की जगह मैंने क्या बताया था? कोई ना कोई नेम होता है, तो इसका आंसर भी आएगा एक किसी के नेम से, तो आंसर विल बी अ वॉशर मैन. आपने जब लेसन के बुक वर्क रिवाइज किया था, उसमें एक पेज के ऊपर ये तीनों के बारे में बताया था कि हु वीव्स द क्लोथ, हु वॉश द क्लोथ एक्सेट्रा एंड हु स्टिचेज द क्लोथ, है ना. तो इसमें क्या आएगा? अ वॉशर मैन वॉशिज एंड आयरन आवर क्लोथ. एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज हू स्किन इज यूज टू मेक फर एंड लेदर. किस किस स्किन को हम यूज करते हैं फर एंड लेदर बनाने के लिए? हमने ये भी बताया था कि एनिमल की स्किन को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए, पर जब लोग बनाते हैं फर और लेदर तो हम किससे बनाते हैं? एनिमल्स स्किन. हूज की जगह आपने लिखना है एनिमल स्किन. बाकी सारा क्वेश्चन में से है इज यूज टू मेक फर एंड leather. It's your last chapter for revision. After that we will start its lesson number 5. इसके बाद आपकी assessment होगी अगस्त के last में. So please इनको ज़रूर revise करते रहिए और मेरे पास WhatsApp पर ज़रूर भेजते रहिए revision करते रहिए.